हेलो फ्रेंड्स, हमारी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको फेस मास्क बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये दो कपड़े लिए हैं। इन कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ और ये मास्क हमारा 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा, तो आप भी घर पे ही बना सकते हो। तो अगर आप भी कोरोना से बचना चाहते हो तो इस मास्क को ज़रूर बनाएं। तो देखिए, जिसकी जो मैंने लंबाई है वो मैंने 7.5 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच ली है। ये आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, बाकी ये हर साइज़ के लिए परफेक्ट मास्क है। और जिसके लिए हमें ये पतली इलास्टिक चाहिए, ये आपको हर कलर में मिल जाती है, लेकिन मेरे पास वाइट कलर की है। तो चलिए अब इसमें हम शेप देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये कपड़ा है, ये देखिए, ये मैंने दो कपड़े लिए हैं सेम साइज़ के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हमारे ये दो कपड़े हैं इनको पहले हम ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, हमने इसको एक बार फोल्ड किया, अब फिर हम इसको ऐसे एक बार और फोल्ड कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब ये मेरे पास 4 फोल्ड हैं, कपड़े हमारे 2 हैं तो 8 फोल्ड हैं, लेकिन अगर आप सिंगल से ही बनाना चाहती हैं, उसमें पट्टी लगाना चाहते हो, तो आपके 4 फोल्ड होंगे। तो इस तरीके से मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए, पहले आप दो कपड़े लीजिए, उनको पहले एक बार ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर एक बार और ऐसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब हम निशान लगाएंगे, तो देखिए हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। हम यहाँ से 2 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और जो ये वाली साइड है यहाँ से हम 1 इंच पे लगाएंगे। देखिए, बंद वाली साइड है, ये खुली वाली साइड से मैंने लगाया 2 इंच पे, बंद वाली साइड पे लगाऊंगी मैं 1 इंच पे। और इंच टेप को आड़ा रखना है, लंबाई में नहीं रखना है, आड़ा रख के इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से हम जो गोलाई देंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं गोलाई 1.5 इंच पे दे रही हूँ। देखिए, यहाँ से हमने 2 इंच लेने के बाद इस तरीके से इसमें गोलाई दे दी है। अब उसके बाद यहाँ से हम जो गोलाई देंगे वो 1.5 इंच पे ही देंगे। यहाँ से आपको अब ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं कि मैंने शेप किस तरीके से दी है। तो देखिए, मैंने यहाँ से ऐसे लाके ऐसे शेप दे दी है, ठीक है। अब इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे हमने इसमें शेप दी है। पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे, अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देंगे, तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप आएगी। अब इनको हम अलग अलग कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास ये 4 पीस आ चुके हैं, 2 ये और 2 ये। अब हम इनकी स्टिचिंग बताएंगे आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम अपने ये 2 पार्ट लेंगे और इनको ऐसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से जैसे कटिंग की है उसी तरीके से हम इनकी सिलाई कर देंगे। अब ये 2 सिल्लिए हैं, अब इन 2 की भी हम सेम तरीके से ही सिलाई करेंगे। इन दोनों की भी सेम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 पीस सिल लिए हैं। अब इनको हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ऐसे रखने के बाद अब हम इन दोनों की राइट साइड मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। दोनों की राइट साइड मिलनी चाहिए आपस में। देखिए, मैंने इन दोनों की राइट साइड मिला के अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। बस इसका एक पार्ट खुला रखूँगी, बाकी के पार्टों को मैं पूरी तरीके से सिल लूँगी, क्योंकि फिर हमें इनको सीधा करना है। अब देखिए, अब हम यहाँ से इसको सिलाई करके लाएँगे। सेप ऐसे ही लेके जाएंगे। मैं ये वाला पार्ट खुला छोड़ दूंगी। अब दूसरी साइड से भी हम सेम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने पूरा सिल लिया है, सिर्फ मैंने ये वाला पार्ट खुला छोड़ा है। और सॉरी, मैं आपको कपड़ा बताना भूल गई, ये मेरा कॉटन का कपड़ा है। आप भी कॉटन का ही कपड़ा लें, और मैंने डबल इसलिए लिया है ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। अब इसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेंगे, इसके पूरे कोने निकाल के।
तो आप देख सकती हैं सीधा करने के बाद इसकी सेप कितनी अच्छी आ रही है। अंदर से हमारा इस तरीके से गड्ढा सेप में रहेगा ताकि ये मुंह पे अच्छे से लगे, और बाहर की साइड से ये ऐसे रहेगा। अब इसमें देखिए जो हमने पतली इलास्टिक ली है वो लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे, इस तरीके से हम एक कपड़ा लेके और यहाँ से सिलाई करेंगे कपड़े को। कपड़ा बिल्कुल इसी के बराबर लेना है और यहाँ से सिलाई कर देनी है उल्टी साइड को। इस तरीके से हमने सिलाई कर दी। अब हम इलास्टिक लेंगे, जो हमने इलास्टिक ली है इसको हम कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये 6 इंच लंबी इलास्टिक ली है। अब इलास्टिक को हम ऐसे सिल देंगे इसके साथ, एक सिलाई लगा के हम इसको बराबर बराबर मात्रा में सिल देंगे यहाँ से। अब देखिए दोनों साइड को हमने इलास्टिक लगा ली है। अब जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरीके से। इलास्टिक वाला पार्ट हमारा दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इसके साथ हम इसको एक सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम सेम करेंगे। अब देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इनको एक साइड से इस तरीके से सिल देंगे यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये फेस मास्क बनके एकदम तैयार है। और देखिए ये खूब बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये इलास्टिक है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि टाइट होगा, और इसी तरीके से आप भी बना के ट्राई कीजिए। तो देखिए अगर आपको हमारा ये मास्क का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।